नमस्कार, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उमैद वंश और उसके बाद अब्बासी वंश, अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया था क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था, और इसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। और सन 810 ईस्वी में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई थी और तुर्की गुलाम अधिकारी मामलुक का एक नया शक्ति गुट बन गया था। शिया जो थे, इन शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की और बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए। खुरासान और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और सामानी वंश, और मिस्र और सीरिया में तुलुनी वंश स्थापित हो गया था। अर्थात 9वीं शताब्दी आते आते अब्बासी जो राज्य था वो कमज़ोर हो गया और दूर के जो प्रांत थे उन पर बगदाद का नियंत्रण भी कम हो गया। और इसका एक ही कारण यह था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। और 810 ईस्वी में जो खलीफा हारून अल रशीद के जो पुत्र है अमीन और मामून के समर्थकों के बीच है, वो गृह युद्ध हो गया था। और इस गृह युद्ध में आपसी गुट बन गए थे, दो गुट बनकर के सामने हैं वो आ गए थे। शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की और बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हुए। इन राजवंशों में अपन देख सकते हैं खुरासान और ट्रांसोक्सियाना यानी तुरान अथवा ऑक्सस के पार वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश, और मिस्र तथा सीरिया में तुलुनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिम ईरान तक सीमित रह गई। सन 945 में वह भी छिन्न हो गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलाम के बुहावी नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था। और बुहावी शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की थी, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहनशाह अर्थात राजाओं का राजा जैसी पदवी है, उसको भी है वो धारण किया था। लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की और उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा था। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि
वह इस्लामी जगत पर शासन करे और फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं, इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत हैं, वो शासक हैं। अर्थात इस तरह उन्होंने अपने आप को खलीफा से जोड़ते हुए कार्य करना शुरू कर दिया था और खलीफा से जोड़ने के कारण उनको एक बहुत बड़ा वजूद है वो प्राप्त हो गया था। अब देखिए फातिमा से जुड़ने के कारण उनका समाज में एक बड़ा नाम है वो उभर कर सामने आने लगा। अब देखिए तो इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक मानते थे क्योंकि वे फातिमा के वंशज हैं और फातिमा है वो हजरत मोहम्मद पैगंबर की पुत्री हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की थी और मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया जिसकी स्थापना मंगल ग्रह यानी मिरिक जिसे अल काहिर भी कहा जाता है के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। तो इस तरह से उनके बीच में सत्ता को लेकर के अपने अपने बड़े बड़े दावे हो रहे थे और सभी अपने अपने समर्थकों को बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। 950 से 1200 ईस्वी के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी संस्कृति की एकल भाषा अरबी से नहीं बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बन रहा था। राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज जो थे को अलग अलग करके देखा गया था और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया था। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद की परिपक्वता की भी भूमिका थी। विद्वान कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर मुक्त रूप से घूमते फिरते और आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार सुनिश्चित करते थे। इनमें से कुछ धर्मांतरण के कारण गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए और मुसलमानों की जनसंख्या जो उमैद काल और फिर प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी आगे चलकर बहुत अधिक हो गई और फिर अन्य धर्मों से अलग धर्म और सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में इस्लाम की पहचान अधिक सुस्पष्ट हो गई। इससे धर्मांतरण संभव और अर्थवान प्रतीत हुआ। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह जुड़ गया था, वो हैं तुर्क। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों यानी जिसमें अरल सागर के उत्तर पूर्व में चीन की सीमाओं तक के खानाबदोश कबायली लोग थे और जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था। वे कुशल सवार और योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी समानी और बुवाई प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके
उच्च पदों पर है वो पहुंच गए थे। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्प तिगिन 961 द्वारा की गई थी और उसे गजनी के महमूद द्वारा मजबूत किया गया था। बुवाहियों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी। मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था, लेकिन उसकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासन और अफगानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वेदता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा सिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी खड़े के रूप में गजनवी को, जो सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। अब है सलजुक तुर्क समानियों और काराखानियों की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में दाखिल हो गए और उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों जिनमें तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया था। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सलजुकों ने 1037 में खुरासन को जीत लिया और निशापुर को अपनी राजधानी है वो बनाया था। इसके बाद सलजुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन है वो कर दिया था। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया था और दोनों सलजुक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबायली धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन ने वो शुरू किया था। इस तरह खिलाफत का तो विघटन हो गया और सल्तनत में है वो सल्तनतों का है वो उदय हो गया और राजतंत्र सल्तनत पर आधारित हो गया। अल्प अरसलन के शासन के दौरान सलजुक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया यानी आधुनिक तुर्की तक हो गया और 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी अधिक लड़खड़ाते हुए लड़ाई झगड़े भी हुए थे और इसकी हमने चर्चा भी की है। और इसके बाद 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के गगार पर पाया और यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था। यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था जो हम उस समय में हैं वो देख चुके हैं। अब यह धर्म युद्ध तो मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा यानी अमन प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में
यह एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई थी। नॉर्मनों, हंगरीवासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु हैं वो रह गए थे। तो इस तरह उस समय में इस्लाम का प्रचार है वो शुरू हो गया था। कई ईसाइयों को जो उस समय में आसपास रहते थे उनको मुसलमान बनाया जा रहा था। धन्यवाद।